हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल द हेल ब्रदर्स। तो गाइस, कंपटीशन की टेंशन से प्रिंस ने बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा लिया है। प्रिंस को बहुत तेज़ बुखार हो चुका है और चिड़चिड़ा भी बहुत हो चुका है। किसी को बुला भी नहीं रहा है, कुछ अच्छे से खा भी नहीं रहा है। तो जो भी चीज़ें थी, जैसे भी थी, मैंने ब्लॉग छोटा सा बनाया और उसको दिखाने की कोशिश करी है जैसे तैसे करके। तो अब ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आपको पता लग जाएगा क्या था कैसे था। तो अभी फटाफट चलते हैं वीडियो में। क्या अपडेट रहा यार? सोन दे यार, एक तो तेरा रोज का काम है की हुन। हेलो फैमिली, किद्दां जी? इट्स अ न्यू डे विद अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है बिकॉज घर पे सब के सब बीमार हो रखे हैं। मम्मी बीमार है, फ्रेंड्स बीमार है, जो सिस्टर आ रखी है वो बीमार है, मैं हल्का हल्का बीमार हूँ, पापा काम पे जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रिकॉशंस लो, घर पे बैठो, बट उनका जॉब ही ऐसा है, वो घर पे नहीं बैठ सकते। सो थोड़ा टफ हो रखा है जॉब। मम्मा यहाँ पे सो रखे हैं, भाई भी अपना सो रखा है, और बेसिकली लास्ट लोग में आपने देख ही होगा कि दीदी ने आपको बताया था हमने, जिसके कारण उसको थोड़ा सा करना पड़ रहा है हार्डवर्क। ट्वीट्स वगैरह करवा रहे हैं अभी वो। होप फॉर द बेस्ट। अगर आपने अब तक ट्वीट नहीं करे, मेक श्योर आप ट्वीट कर दें। और ट्वीट क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जल्दी जाएँ, क्लिक करें, चेक करें और जल्दी जल्दी जाकर ट्वीट करें। एंड अभी सुबह के 1 बज चुका है, मतलब 1:30 बज चुका है मैंने लास्ट वीडियो को एडिट नहीं करा है, 1:30 बज गया सुबह का। एंड अभी तक हमने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया है। और पापा जॉब पे चले गए थे, बट उसके बाद वापस आना पड़ा उनको, बिकॉज जहाँ पे मेडिसिन लेने जाना था मम्मा को, पापा को ही पता था जगह। तो अभी वो मेडिसिन आ चुकी है और पापा भी आ चुके हैं मोम के लिए ब्रेड एंड बंद लेके, हमारे लिए भटूरे, बिकॉज ऑलरेडी कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो अभी खाना वाना खाएंगे, कुछ करेंगे। तो रोटी खा ली थी सर? बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, पापा के कपड़े पूरे गीले हो रखे हैं। तो तुझे कपड़े कपड़े भी चेंज कर लो पहले अपने को। नहीं नहीं, मैं मार्केट जाना बेटा, मैं अपने को गीले कर रहा हूं। इन्हें मेरे मार्केट चला बेटा। तो अभी गाइस, फिर मम्मी के लिए चाय वाय बनाते हैं। और मेरे को इतना चाय नहीं बनानी आती, सबसे बड़ा फंडा ये है। भाई से पूछ पूछ के बना दूंगी। प्रिंस को बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, बहुत अच्छे परांठे बनाने आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उसका हिडन टैलेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहले बनाता था, अभी का पता नहीं है। और मैं अभी कुछ लेवल तक अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अभी जैकेट वगैरह वो कैरी कर लूँ, बिकॉज सब बीमार पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेडिसिन वेडिसिन आ चुकी है, अब मैं खाना खाता हूँ, मतलब चाय बनाता हूँ मम्मी के लिए, खाना बनाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फ़ोन में चार्ज भी कम है, ब्लॉग भी एडिट करना है, सब कुछ करना है। तो हैक्टिक है शेड्यूल थोड़ा सा आज, देखते हैं क्या करना है, हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे चाय बन गई है, पानी गर्म हो गया। मैडम का पहली बार टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है। मैडम, आज तक तुमने कभी चाय बना रखी है पहले? यस। तो घर पे हमारे कभी तुमने बनाई नहीं थी, आज आ रही है तुमने? कब बनाई है? कदों बनाई है तुसी? कदों बनाई है? पंजाबी कंफर्टेबल है, नहीं याद आएगा क्योंकि बनाई नहीं है कभी आज तक। चल छूटी गाइस, यहाँ पे भटूरे आ रखे हैं, ये मम्मा को ब्रेड और बंद देने वाले जो भी अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत मैसेज अप हो रखा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा आपको। और बस पानी तो तेरा गर्म हो रखा है, पानी तो भी मम्मी को भी देते हैं चाय। और पापा आई थिंक जाने वाले हैं अभी, पापा बाइक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। जा रहे हो तुसी फिर? मम्मा भी यहाँ पे अपना कर रहे हैं रेस्ट, और हम तो हैं ही फ्री। हम भी देख रहे हैं कुछ करें, क्या करें क्या ना करें, दिखाते हैं अभी क्या होगा। ये ट्वीट्स पे लगा हुआ देख लो, ये पूरा मतलब इसको अब तुम लगा सकते हो। ये ना मेन बात क्या है, ये दवाई लेने भी नहीं गया है। पापा को बोल दिया कि मेरी दवाई ले आओ आप, मैं लेने नहीं जाऊँगा, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, करने नहीं जा रहा है। तो पापा ही लेके आए दवाई, बट हमें जहाँ तक लग रहा है इसको 102-103 बुखार है। प्रिंस को 102-103 अप्रोक्स होगा, गर्म बहुत ज़्यादा है ये। मुझे लग रहा है मुझे ही प्रिकॉशन देनी पड़ेंगे, क्योंकि सब बीमार हो जाएंगे, चलेगा नहीं काम। तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या सुनाती उससे। तो गाइज, अभी हो रखी है शाम और मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाने वाला हूँ। हो रखी है शाम, नहीं था हमारे पास कुछ काम, तो बनाने वाले हम वीडियोस और करेंगे बाद में आराम। शायरी बना दी मैंने। तो प्रिंस अभी सो रखे हैं, मम्मा सो रखे हैं, बहन सो रखी है, आराम कर रहे हैं सब के सब। उनके खराटों की आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी, ये रात को भी ऐसे चलता है, इस टाइम भी ऐसे चलता है, बट मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज बीमार हैं, तो इनको रेस्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ कि क्या ही बताऊँ, बाहर भी नहीं जा सकता बंदा।
मैंने सोचा चलो बाहर थोड़ा सामान वामान लाना है घर का, वो भी ले आता हूँ। बट बारिश इतनी ज़्यादा तेज है, 2 दिन हो चुके हैं अप्रोक्स बारिश होते हुए। आपके वहाँ हो रही है नहीं हो रही बारिश, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली ऑन किया था अपना फ़ोन, तो मैंने बोला व्लॉग में अपडेट भी दे दो आप लोग को। मुझे भी हल्का हल्का जुकाम टाइप लग रहा है, मतलब जुकाम नहीं सॉरी कफ टाइप लग रहा है, मैं उसको थोड़ा सॉर्ट करने वाला हूँ। एंड ठंड भी बहुत लग रही है, मैं बस वीडियोज़ वगैरह एक दो बना लूँ अभी के लिए, जो मुझे मैंडेटरी थी कुछ कोलैब के लिए मुझे डालनी थी किसी के साथ, मैंने वो बनाऊँगा। बाकी जो मेनली बनानी है वीडियोज़ वो रात को ही बनेंगी, तो भी पहले मैं बनाता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। 2000 years later तो गाइज मॉर्निंग में तो सिर्फ मॉम भाई और बहन थोड़ी बीमार थी, अभी मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, तो आप लोग को बस मैं हिचके भी लगी है। आप लोग को बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेक श्योर आप प्रिकॉशंस लें, मास्क लगा के रखें, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गर्म पानी पीते रहें, और एंटीबायोटिक वगैरह जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल हो या डॉक्टर कंसर्न कर सकते हो आप वो करके रखें। प्रिंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके कारण वो सो गया है, एंड बेसिकली उसको थोड़ा सा उस चीज़ का भी स्ट्रेस है। आपने लास्ट व्लॉग को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हो, मेक श्योर आप ऐसे आगे भी ट्वीट्स वगैरह करते। बहन भी बहुत खांस रही है कब से, तो लास्ट पर मैं यही बोलूँगा आपको कि आप अपना ध्यान रखो। ये व्लॉग बहुत छोटा सा है, अब तक प्रिंस से बात नहीं हो पाई है सुबह से मेरे अच्छे तरीके से, बट फिर भी इससे मैं पूछ लेता हूँ एक बार क्या सिनेरियो है, कैसे ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो पूछ लेता हूँ अभी तक का क्या अपडेट रहा है। सर पूरे पसीने से भर रखे हैं ऊपर ऊपर तक, बिकॉज उन्होंने मेडिसिन वगैरह ये वो ली है, तो इनसे एक बार पूछ लेते हैं फिर भी लास्ट। सर इधर क्या अपडेट रहा? यार सोन दे यार, एक तो तेरा रोज का काम है की हुन दादा ने अपडेट की रहा के दादा की अपडेट के सेट तो लंबा पे आया थे बैठते और की अपडेट दवा ट्वीट वगैरह आया नहीं मेरे। हां हो गया, बहुत वजह ट्वीट करता लोगों ने, देखो ये ऐसे ही कल्पा पड़ा है, तो अब कुछ हो तो नहीं सकता है, क्या ही कर सकते हैं। और मोमज बीमार थे तो खाना बना नहीं है, खाना में खुद ही बनाना मतलब खुद ही बनाया, बाहर से लेके आए थे खाना, मज़ा नहीं आया खा के इतना खास वाला। कुछ नहीं करने के लिए अभी, खांसी ज़्यादा हो रखी है मेरे को, मतलब मैं अपनी खांसी कंट्रोल करके पूरा बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं खांसूँगा अच्छे से। अभी बज चुके हैं रात के 1:30, सोच रहा हूँ वीडियोस बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट मुझे लग रहा है मुझे कंसिस्टेंट रहना है तो मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, पर सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बढ़िया। पूरा दिन मेरा ऑलमोस्ट निकल गया यही देखते क्या करें कैसे करें। मम्मा ने 2 दिन बार मतलब डॉक्टर को फ़ोन किया, मम्मा की तबीयत अब थोड़ी सी बेटर है पहले से बोल सकते हो आप थोड़ी सी, और मेरे को तो आपको दिख ही रहा है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ हर चीज़ का, बिकॉज मुझे लगता है कि सब बीमार नहीं पड़ने चाहिए, एक एक करके आपको अपडेट मिलता रहना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रखी है तो सो चुका है, बाकी अभी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव बातें होगी, अब थोड़ा पॉजिटिव पे चलते हैं। तो अभी आने वाले गए लोहड़ी, तो आप लोग के क्या प्लान थे लोहड़ी को लेकर, क्या करने वाले हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड ये थत्थी भी यहाँ पे बैठी है, से हाय। और कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम मस्त। क्या किया आपने पूरा दिन फिर? तो कुछ किया करो वेले बैठे रहते हो तो ये मैडम फ्री बैठी रहती हैं कुछ नहीं करती हैं। और हाँ एक मेन चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, जैसे हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स हो चुके हैं, आपको मैंने बता दिया था, कृष्णा भी आ चुके हैं हमारी फैमिली में, तो आज बीमार थे सब, जिसकी वजह से कृष्णा को भी हमने नहीं उठाया, तो 1 बजे हमने उनको उठाया था और उसके बाद ही उनको भोग वगैरह जो भी लगवाते वो किया था। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बिना नहाए उनको कपड़े वगैरह उनके चेंज कर दिए। आई डोंट थिंक सो ये वहम है कि नहाना ज़रूरी होता है क्या,
बाकी अगर आपको लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में, मुझे नहीं लगता इस चीज़ का, बाकी आई डोंट नो। तो गाइस मेरा भी गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी गर्म पानी वगैरह अच्छे से पी के सोता हूँ। ये ब्लॉग बहुत पिद्दू सा था, सो सॉरी फॉर दैट। अगला ब्लॉग मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, दिखाऊँगा, बट इसमें मैं ज़्यादा वाले अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाया बिकॉज उसका कि सब बीमार थे, कुछ एंटरटेनिंग कुछ अलग सा हो ही नहीं पाया। सो दिस इज एंड ऑफ अवर वीडियो, होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मास्क ज़रूर पहने, गर्म पानी पीते रहें टाइम टाइम पर, और वैक्सीनेशन जिन जिन ने नहीं लगवाई है मेक श्योर आप वैक्सीनेशन लगवा लें, और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।